हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्वालिफायर। मैं धर्मेंद्र नरूका एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, जो रीट लेवल वन और लेवल टू में इंग्लिश सब्जेक्ट के सेक्शन से रिलेटेड है। जिस बात की चर्चा हम पिछले वीडियो के अंदर कर रहे थे, उसी बात को आज हम आगे बढ़ाएंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन की। किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन की। अब ग्रेडेशन का मीनिंग यहाँ पर किस तरीके से लिया जाता है, क्या क्या बातें आती हैं, उन सभी तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस प्यारे से सेशन की और बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन की। देखिएगा, समझने की कोशिश करना, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन का यूज किया जाता है ताकि मैटर को क्या के बनाया जा सके, आसान बनाया जा सके। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसका यूज होता है टू मेक मैटर इजी, यानी जो भी स्टडी मटेरियल है उसको इतना आसान बना दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स को समझने में और याद करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो उस चीज को आधार मानते हुए हम इस वाले जो हमारा रूल है, नियम है और जो प्रिंसिपल है, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई, जहां ग्रेडेशन का मतलब होगा वहां हमें याद रखना है मैटर को इजी बनाना है। क्या बनाना है? इजी बनाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन के अंदर दो बातें आती है, यानी देयर आर टू मेथड्स टू मेक इट इजी। यानी किसी भी मैटर को आसान बनाने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन में दो प्रिंसिपल मुख्य रूप से काम करते हैं, जिनमें नंबर वन है ग्रुपिंग, यानी प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, और दूसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग। यानी आप ग्रुपिंग करके भी मैटर को आसान बना सकते हो और सीक्वेंस में जमा कर भी किसी भी स्टडी मटेरियल को आप आसान बना सकते हो। अब हम देखने की कोशिश ये करेंगे कि ग्रुपिंग में कौन कौन सी बातें आती हैं और सीक्वेंसिंग में कौन कौन सी बातें आती हैं। अब ये दो बातें याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन में इंपॉर्टेंट जो दो मेथड हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका ग्रुपिंग हो जाता है और एक क्या हो जाता है मेरे भाई, सीक्वेंसिंग हो जाता है। तो सभी को अच्छे से बात क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रुपिंग की। देखिएगा, ग्रुपिंग में क्या क्या बातें आती है ये समझ लीजिए। देखो, इट इज बेस्ड ऑन साउंड, सिचुएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ मटेरियल। यानी किन्हीं भी स्टडी मटेरियल को अगर साउंड, सिचुएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, मीनिंग ऑफ मटेरियल के आधार पर बांटा जाए तो उसे क्या कहते हैं? ग्रुपिंग कहते हैं। अब साउंड के आधार पर आप उसको ग्रुप करोगे तो क्या कहा जाएगा? सिचुएशन के आधार पर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और मीनिंग के आधार पर। यानी हम इसको चार तरीके से क्या कर सकते हैं? ग्रुप बना सकते हैं, चार ग्रुप बना सकते हैं, साउंड के आधार पर, सिचुएशन के आधार पर, सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर और मीनिंग ऑफ मटेरियल के आधार पर। क्लियर? सभी को बात समझ में आ गई। देखिएगा, नंबर वन देखिए, अगर आप साउंड के आधार पर ग्रुप करते हो, यानी ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक ग्रुपिंग। अगर आप शब्दों को साउंड के आधार पर ग्रुप करके पढ़ते हो, उनका एक बल्क एरिया कवर करते हो, तो उसे क्या कहते हैं? फोनेटिक ग्रुपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोनेटिक ग्रुपिंग कहा जाता है। जैसे आपने एक ही साउंड के, जैसे हाइट है, वाइट है, टाइट है, फाइट है, माइट है, यानी इनका जो साउंड है वो करीब करीब सबका एक है, माइट, आइट, वाइट, टाइट, फाइट, माइट। तो इस तरीके के वर्ड को आप ग्रुप करके पढ़ते हो, याद करते हो, तो उसे क्या कहा जाता है? फोनेटिक ग्रुपिंग कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फोनेटिक ग्रुपिंग, तो आपका आंसर होगा ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक ग्रुपिंग। और एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके कुछ वर्ड्स आपके सामने स्क्रीन पर है, तो आप अच्छे से उनको देख सकते हो। चलिए, उसके बाद अगर सिचुएशन के आधार पर किन्हीं वर्ड्स को ग्रुप किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? देखिएगा, देखो, अब सबसे पहले हमने देखा साउंड के आधार पर, अब है ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। सिचुएशन के आधार पर अगर ग्रुपिंग किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? लेक्सिकल ग्रुपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेक्सिकल ग्रुपिंग। ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड लेक्सिकल ग्रुपिंग। अब देखिए, लेक्सिकल ग्रुपिंग से मतलब क्या है? अब देखो, आपने क्या किया, एक कॉन्टेक्स्ट लिया, एक संदर्भ में, यानी फैमिली के सभी मेंबर्स को आपने पिक किया और उसमें फादर हो गया, मदर हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, सन हो गया, डॉटर हो गया। यानी आपने एक सिचुएशन दी, यानी सिचुएशन में दी कि आपको कॉन्टेक्स्ट फैमिली का रखना है। अब फैमिली के अंदर जितने भी वर्ड्स आते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सभी को
आप एक साथ याद कर सकते हो, और इस तरीके का जो मैटर होता है उसे लेक्सिकल ग्रुपिंग के तहत पढ़ा जा सकता है। यानी एक कॉन्टेक्स्ट यानी फैमिली कॉन्टेक्स्ट हो गया और पूरे के पूरे मेंबर्स को अच्छे से याद कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड लेक्सिकल ग्रुपिंग। और इस तरीके की स्टडी मटेरियल को पढ़ना क्या कहलाता है? लेक्सिकल ग्रुपिंग कहलाता है। तो दो बातें सभी को अच्छे से क्लियर हो गई, फोनेटिक ग्रुपिंग क्या होता है और लेक्सिकल ग्रुपिंग क्या होता है। अगर साउंड के आधार पर किया जा रहा है तो फोनेटिक है, सिचुएशन के आधार पर किया जा रहा है तो क्या है? लेक्सिकल है। तो यहां तक की बात सबको अच्छे से समझ में आ गई। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, ग्रेडेशन का मतलब है स्टडी मटेरियल को इतना आसान बना देना ताकि वो स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ जाए और याद हो जाए। अब इस मेथड के अंदर दो मेथड सब मेथड काम करते हैं, ग्रुपिंग वाला और एक सीक्वेंसिंग वाला। अब ग्रुपिंग में साउंड, सिचुएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर और मीनिंग ऑफ मटेरियल इन चारों को आधार मानकर पढ़ते हैं। अब साउंड के आधार पर अगर होता है तो फोनेटिक कहलाता है, सिचुएशन के आधार पर होता है तो लेक्सिकल ग्रुपिंग कहलाता है। सभी को अच्छे से क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, अगर आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को बेस माना, यानी ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। अच्छे से देख लीजिए, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग क्या होगी? जब सेंटेंस स्ट्रक्चर को आधार मानकर आप शब्दों का या सेंटेंसेस का ग्रुप बनाते हो, दैट इज कॉल्ड ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। जैसे देखो, आई एम गोइंग, दे आर गोइंग, यू आर गोइंग। अब ये आपने तीन यहां पर एग्जाम्पल दिए। अब देखो, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, यहां पर तीनों में ही पहले हेल्पिंग वर्ब है फिर मेन वर्ब है, यानी सेम है यहां पे, सेम है यहां पे, यानी एक जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप अलग अलग सब्जेक्ट के साथ पढ़ सकते हो, दैट इज कॉल्ड ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। जब सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर ग्रुप किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? हम ग्रामेटिकल ग्रुपिंग कहेंगे। यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई। देखिए नेक्स्ट, ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग of material is called सिमेटिक ग्रुपिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है यहां से कि सिमेटिक ग्रुपिंग क्या होती है। तो सिमेटिक ग्रुपिंग होती है जब मीनिंग ऑफ मटेरियल को आधार मानकर ग्रुप किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? सिमेटिक ग्रुपिंग कहलाती है। जैसे देखो, ब्यूटीफुल, अल्यूरिंग, चार्मिंग और इंचेंटिंग, ये फोर वर्ड्स आपके स्क्रीन पर है। अब इन फोर वर्ड्स का जो मीनिंग है ना वो एक है, यानी ऐसे शब्दों को तैयार करना, ग्रुप में तैयार करना जिनका मीनिंग क्या हो, जिनका मीनिंग सेम होता है। क्या होता है? मीनिंग सेम होता है, जैसे चारों का मीनिंग सुंदर हो गया। तो इस तरीके के वर्ड्स को अगर ग्रुपिंग करोगे तो वो सिमेटिक ग्रुपिंग कहलाता है। तो यहां तक की बात समझ में आ गई सभी को अच्छे से। चार ग्रुपिंग के अंदर होते हैं। नंबर वन पे हमने पढ़ा फोनेटिक ग्रुपिंग, उसके बाद लेक्सिकल था, उसके बाद ग्रामेटिकल था, और उसके बाद है सिमेटिक ग्रुपिंग। तो ये चार इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग के अंदर चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, इनको अच्छे से याद करना है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीक्वेंसिंग की। अब कुछ सीक्वेंस होते हैं, उनके थ्रू भी वर्ड्स को पढ़ा जा सकता है, याद किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले जो है वो है आपका ग्रामेटिकल सीक्वेंस। अब ग्रामर के सीक्वेंस में क्या क्या चीजें हमें क्रम में पढ़नी चाहिए उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो इट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो ये समझना है कि जो ग्रामेटिकल सीक्वेंस है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले करना क्या है हमको कि हमें सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है, यानी इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल स्ट्रक्चर शुड बी टॉट। अब सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे सेंटेंस को पढ़ना है जिनमें सिर्फ तीन चीज हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। इन तीनों चीजों के माध्यम से हमें शुरुआत करनी है स्ट्रक्चर को समझने की और पढ़ने की। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अब देखो इसमें ये तो आपका सब्जेक्ट हो जाता है, ये आपकी दोनों वर्ब हो गई, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और ये क्रिकेट आपका क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर कहा जाता है, और इस तरीके से ही हमें शुरुआत करनी चाहिए जब हम किसी भी स्टडी मटेरियल को समझना और याद करना शुरू करते हैं। तो यहां तक की बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए, अब जब आप ग्रामेटिकल सीक्वेंस पढ़ लेते हो, यानी कहने का मतलब सिंपल स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हो, तो उससे क्लोजली रिलेटेड स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के साथ कुछ नए वर्ड्स आप देख सकते हो। जैसे देखिएगा, जैसे देखिए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां तक तो देखो, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये तो आपका सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। अब आपने यहां पर प्रपोजिशन लगाकर हिज फ्रेंड्स इन द ग्राउंड को और जोड़ दिया, तो बात है इसी से रिलेटेड है ना, खेलने से रिलेटेड है। तो अगर
आपको आगे पढ़ना है तो क्लोजली रिलेटेड स्ट्रक्चर पढ़ने चाहिए सिंपल स्ट्रक्चर से, ताकि जो चीजें पिछले चल रही थी वो कनेक्ट हो सके, अच्छे से समझ में आ सके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है लेक्सिकल सीक्वेंसिंग। क्या है? लेक्सिकल सीक्वेंसिंग दूसरे नंबर पे क्या आ जाती है? लेक्सिकल सीक्वेंसिंग। अब इसमें क्या होता है, एक वर्ड दूसरे को फॉलो करता है, यानी इट मीन्स विच वर्ड फॉलोज अनदर वर्ड, कौन सा वर्ड किसको फॉलो करता है उसके क्रम में अगर पढ़ा जाए तो दैट इज कॉल्ड लेक्सिकल सीक्वेंसिंग। अब देखिए जैसे इधर किसको करता है, और को करता है, नीदर किसको करता है, नॉर को करता है, बट ऑल्सो किसको करता है, नॉट ओनली को करता है, ये भी समझ लीजिए। बट ऑल्सो की अगर मैं बात करूं तो वो किसको करेगा मेरे दोस्त, ओनली को करेगा। तो ऐसे वर्ड्स को तैयार करना जो किसी दूसरे वर्ड्स को फॉलो करते हो, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकल सीक्वेंसिंग। यहां तक सभी को समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है सिमेटिक सीक्वेंसिंग। अब सिमेटिक सीक्वेंसिंग में क्या होता है, दोज वर्ड विच आर सेम और ऑलमोस्ट सेम इन मीनिंग शुड बी टॉट, यानी इस तरीके के वर्ड्स को सिखाना जो मीनिंग में और वो अर्थ में करीब करीब सेम हो, उनको सिखाना चाहिए, उसे कहते हैं सिमेटिक सीक्वेंसिंग। हमने सिमेटिक ग्रुपिंग भी देखा था, उसी तरीके से आपका क्या होता है, सिमेटिक सीक्वेंसिंग होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हो गए। अब देखो आपने एक तो देखा ग्रुपिंग, कौन सा देखा, एक तो ग्रुपिंग देखा और दूसरा क्या देखा, सीक्वेंसिंग देखा। ठीक है, दो चीजें हमने यहां देखने की कोशिश की। अब ग्रुपिंग हमने चार तरीके के देखे, साउंड से, सिचुएशन से, सेंटेंस स्ट्रक्चर से और मीनिंग से। ठीक है, और हमने सीक्वेंस की बात करें तो ग्रामेटिकल था, लेक्सिकल था एंड सिमेटिक था। तो कुल मिला के जो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन है उसमें दो प्रिंसिपल इंपोर्टेंट होते हैं, ग्रुपिंग और सीक्वेंसिंग, और उनके अंदर जो बातें होती हैं उनको हमने बहुत अच्छे भली भांति से पढ़ा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब आपको करना क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल यानी कि इसका नाम है इंग्लिश क्वालिफायर, उसको सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और जितना हो सके इसे उतना आगे बढ़ाना है। तो आज के वीडियो में खैर इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।